सो हेलो गाइस, दिस इज मशरूम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करने जा रहा हूँ। वो खुशी ये है कि आज तक सबसे महंगी चीज़ जो मैंने खरीदी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और उसमें भी एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है। कैसा कि उस महंगी चीज़ को भी मैंने सबसे सस्ता खरीदा है। यस, सो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ अपने सबसे महंगी चीज़ की, जो है टिल डेट अभी तक की सबसे महंगी चीज़ जो मैंने खरीदी, वो है नन अदर देन प्रेडेटर हीलियोस 300। सो गाइज, ये है मेरी अभी तक की सबसे महंगी चीज़ जो मैंने अभी तक खरीदी है, वो भी अपने बलबूते पर। सो मेरे लिए तो ये चीज़ खास इंटू 100 हो जाती है। सो गाइज, आपके सामने अभी तक की मेरी सबसे महंगी चीज़ जो मैंने अभी तक खरीदी है, वो भी अपने दम पर। सो ये है मेरी एसर प्रेडेटर हीलियोस 300। और ये अपने आप में ही प्रेडेटर, इसके नाम से ही पता पड़ता है प्रेडेटर है। प्रेडेटर क्यों है वो अपन आगे बात करेंगे, और आज की वीडियो में बहुत सिंपल रखूँगा, ज़्यादा अपन बकवास नहीं करेंगे, होना भी चाहिए। सो पहला पॉइंट ये रहेगा कि अपन इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये क्या है, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या थी, और ये मैंने कहाँ से खरीदा। ठीक है, और लास्ट अपन बात करेंगे इसको खरीदने का मेरा पर्पज क्या है और आगे के क्या प्लान। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है वो बताता हूँ, फिर प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस के अपन बाद में बात करेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये है मेरे सामने ओपन प्रेडेटर। अब मैं इसे ऑन करूँगा, ये देखिए इसका कीबोर्ड कितना बेहतरीन है। अभी ये उजेला हो रखा है बाहर, अंदर भी मैं डार्क में भी आपको दिखाऊंगा इसकी लाइटनिंग सिस्टम कितनी प्यारी है। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा आप। जैसा कि आपने देखा कितना प्यारा साउंड आता है जब ये ऑन होता है, लगता है प्रेडेटर वाली फीलिंग आती है। सो गाइस, ये है मेरा एसर का प्रेडेटर हीलियोस 300। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ की स्पेसिफिकेशन में ये है कि इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज की। यस, सो गाइस, इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रैम के बारे में। रैम है 16 GB, i7 10th generation का प्रोसेसर है इंटेल का, 2 slots है SSD के, जिसमें एक स्लॉट इसमें ऑलरेडी फेल्ड आता है कंपनी के द्वारा, जो कि है 256 GB SSD। सो गाइस, और 1 TB हार्ड डिस्क भी आपको इसके साथ मिलती है, और 4 GB का ग्राफिक कार्ड है जो है 1650 GTI। सो गाइस, इस स्पेसिफिकेशन के साथ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये लैपटॉप ऑलरेडी प्रेडेटर बन चुका है। सो गाइस, मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी, कॉन्फ़िगरेशन बता दी, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं बताऊँगा तो आप खरीदोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कितने में खरीदा, और मैंने कितने में खरीदा उससे आप अंदाजा लगाओगे कि आपको क्या डील सही मिल रही है या नहीं। तो गाइस, इसकी जो लिस्टेड प्राइस थी फ्लिपकार्ट से मैंने इसे खरीदा है, और फ्लिपकार्ट पे जो इसकी लिस्टेड प्राइस थी वो थी 1,16,000, और डिस्काउंट मुझे तकरीबन मिला अच्छा खासा, जो कि है 36,000 rupees का डिस्काउंट मिला, और मुझे ये पड़ा 79,990 rupees का, जिसमें मेरे पास 100 rupees सुपर कॉइन्स की अवेलेबल थी। तो फ्लिपकार्ट प्लस का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसे बुक किया 79,890 rupees में, 100 rupees की बचत है।
₹100 की बचत के साथ इसे मैंने इतने रुपीस में ख़रीदा हुआ है। सो अभी तक का सबसे महंगी चीज़ मैंने ख़रीदी अपनी ज़िंदगी में, और पहली बार मैंने इतना कुछ महंगा ख़रीदा है, तो बहुत करीब है मेरे दिल के। सो गाइस, इसीलिए मुझे आपके साथ अपनी खुशी शेयर करनी थी इस प्रेडेटर को लेकर। सो गाइस, मेरी जो खुशी थी मैंने आपको बताई, और मेरी खुशी हो गई खुशी इंटू 100। सो गाइस, यही है जो भी लॉजिकल बात है, लेकिन मेरे लिए तो यार बहुत खुशी का दिन है ये आज, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी खुशी को शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो लैपटॉप था मेरा प्रेडेटर, इसे मैंने खरीदा बिग बिलियन डे सेल के दौरान, जो पड़ी थी 16 से 21, बट मेरे पास एक्चुअली फ्लिपकार्ट प्लस का सब्सक्रिप्शन था, तो मुझे एक दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर को 12 बजे से मेरे पास आई, और मैंने बिना देरी करते हुए आधे घंटे में, अगर मेरे काम के दौरान, मैंने ये ख़रीदा, फटाफट ऑर्डर किया, और एक ही बार में ऑर्डर प्लेस हो गया, एक ही अपन ने साथ ही साथ पेमेंट कर दी थी, और उसके 5 दिन के दौरान ये मुझे डिलीवर हुआ। अब चीज़ें होंगी तेज, रफ्तार पकड़ेंगी। इसे मैंने ख़रीदा ही इसलिए ताकि मैं अपना यूट्यूब का जो करियर है उसमें थोड़ी पेस ला सकूँ, थोड़ी कंसिस्टेंसी ला सकूँ, और आपके साथ गुफ्तगू और सारी जो वार्तालाप है उससे बरकरार रख सकूँ। तो भाई, ये है मेरा प्रेडेटर। देखो, कोई भी यार ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अपन जो ख़रीदते हैं ना, उसे ऐसा नहीं सोचा करो कि इतना पैसा चलेगा, ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट होती हैं, आप इनसे पैसे निकालोगे बाद में। तो मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और इससे मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी। सो गाइज, यही पर्पज़ था इस प्रेडेटर को मेरा लेने के पीछे। सो गाइज, विदा लेता हूँ मैं आपसे आज, मगर जल्दी आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, आऊँगा और बहुत सारे धमाके करेंगे अपन। सो गाइज, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, कोरोना से बचाव करिए, और IPL तो चल रहा है, लास्ट 2 मैचेस बचे हुए हैं, 3 मैचेस बचे हुए हैं, एक एलिमिनेटर और सेकेंड एलिमिनेटर और फाइनल। फाइनल में मुंबई अपनी पहुँच चुकी है। आई एम सपोर्टर ऑफ मुंबई इंडियंस, सो दुनिया ला देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। तो गाइस, अंधेरा मैंने कल दिया, अब अपन चलाते हैं प्रेडेटर को अपने, तो देखते हैं कैसा लगता है ये डार्क में। ये देखिए गाइस, कीबोर्ड कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग तरीके के कलर्स और अलग अलग तरीके के पैटर्न्स इस कीबोर्ड के, तो देखने में ही एक प्रीमियम लैपटॉप बनाते हैं इसे। सो गाइस, देखिए पहला जो जोन है उसका ब्लू रखते हैं, दूसरे का रेड रखते हैं, तीसरे का ऑरेंज रखते हैं, चौथे का अपन ग्रीन रखते हैं। सो गाइस, देखिए ये देखिए ब्लू, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब आपको ये तो हो गया स्टैटिक लाइट, और अब होगी ये डायनेमिक। डायनेमिक पे ये है नियॉन पे, देखिए। अब मैं करता हूँ ब्रीथिंग, सांस लेगा ये, वेव, जूम और शिफ्टिंग। नियॉन तो आप देख ही चुके। सो गाइस, ये है डार्क में प्रेडेटर।